हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम फ्रेम के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप एक बिगिनर्स हैं, आपको टाइम फ्रेम क्या होता है ये नहीं पता, तो ये वीडियो पूरा एंड तक वॉच करना। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम लोगों को कोई भी ऑप्शन चयन या फिर किसी भी शेयर को बाय करने के लिए, तो वहां पर हम लोगों को चार्ट का एनालिसिस करना पड़ता है। और चार्ट का एनालिसिस करना ये एक टेक्निकल एनालिसिस का ही पार्ट है, और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको टाइम फ्रेम को पता होना बहुत जरूरी है। तो चार्ट के अंदर कई बार बात करते हुए आपने सुना होगा कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लो, 10 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लो, तो वहां पर आपको क्या चीज सीखना है, क्या चीज जानना है। कई बार दिक्कत ये हो जाता है कि जैसे मैं आपको चार्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर समझाता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर पूछूंगा कि ये कितने मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है, तो यहाँ पर आप टाइम देख करके तो बता दोगे कि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। लेकिन कई बार जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये जो कैंडल है वो 1 मिनट का है, तो कहाँ से कहाँ तक का 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। क्योंकि कई बार मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस किया है, और बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे भी ये पता चला है कि ये जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम हमने ओपन किया है वो एक कैंडल के लिए अप्लाई होता है। यानी कि यहाँ पर आपको एक एक जो कैंडल दिख रहा है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर बना हुआ है। अगर हम लोग इसी टाइम फ्रेम को चेंज कर दें, 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर दें, तो यहाँ पर ये जो एक कैंडल दिख रहा है, सिंगल कैंडल, वो 5 मिनट के अंदर बना हुआ है। तो अब देखिए इसका ओपन प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है, हाई कितना गया है, तो ये सारी चीजें मैटर करता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो एक कैंडल बना हुआ है, इसमें हो सकता है कि रेड कैंडल भी हो अगर हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज कर दें इसी को। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये वाला कैंडल देख रहे हैं आप, ये क्या है, रेड कलर का, यानी कि बियरिश कैंडल बना हुआ है। अगर हम लोग इसी को चेंज करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहां पर आप लास्ट कैंडल देख रहे हैं कि ग्रीन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस ग्रीन के अंदर ये जो हम लोगों ने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है इस चार्ट के अंदर, इस कैंडल के अंदर, तो ये जो कैंडल है कई बार 1 मिनट के अंदर अंदर कुछ ऊपर में ओपन हुआ और नीचे में क्लोजिंग दिया, इसका मतलब बियरिश कैंडल बना हुआ है। फिर कई बार बुलिश कैंडल बना हुआ है, तो 15 मिनट के अंदर अंदर जो फाइनल जो हमारा चार्ट बना हुआ है, कैंडल बना हुआ है, वो क्या है, बुलिश कैंडल बना हुआ है। तो अगर हम लोग टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो ये चेंज हो सकता है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये कैंडल 15 मिनट के अंदर लास्ट वाला कैंडल ग्रीन कैसे हो गया और पहले रेड था तो अभी ग्रीन कैसे हो गया, ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। और हाँ, यहां पर अगर आपको दिन का टाइम फ्रेम, सॉरी, अगर आपको इस टाइम फ्रेम को बढ़ाना है तो यहीं से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 30 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, या 1 डे, वीक, मंथ। अगर आप 1 डे करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको कैंडल देखने को मिल रहा है ये एक दिन का, पूरे दिन का कैंडल देखने को मिल रहा है। ये जो ग्रीन वाला कैंडल है, इसका मतलब ये है कि कम प्राइस में ओपन हुआ था और जो 3:30 बजे जो लास्ट हुआ ना, क्लोज हुआ मार्केट, तो वो अधिक प्राइस में क्लोज हुआ, इसका मतलब ये ग्रीन कैंडल बना है। ये जो बियरिश कैंडल बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि पूरे एक दिन के अंदर अंदर जब मार्केट ओपन हुआ 9:15 पर, तो मार्केट ऊपर से ऊपर में ओपन हुआ और क्लोजिंग कहां पर दिया, बहुत ज्यादा नीचे दिया है, तो इसलिए यहां पर ये बियरिश कैंडल बना हुआ है। तो इस तरह से आपको टाइम फ्रेम को जानना है। इसके अलावा अगर आप डेली चार्ट देखना चाहते हैं या वीकली चार्ट देखना चाहते हैं, तो वो आपको डेट यहां से अरेंज करना है कि भाई आपको कितने दिन का चार्ट पैटर्न देखना है। तो आप 1 दिन का, 5 दिन का, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 महीने का, 1 साल, 5 साल, आप कितने भी टाइम का यहाँ पर चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। अब इसको अगर आप जूम करेंगे तो आपको एक एक कैंडल क्लियरली देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर टाइम फ्रेम 2 घंटे का है, तो हर एक कैंडल 2 घंटे के अंदर बना हुआ है। तो इस तरह से आपको कैंडल देखना है टाइम फ्रेम के अंदर। तो जैसा कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि ये जो कैंडल है, सिंगल कैंडल, वो 5 मिनट के अंदर बना हुआ है, तो 5 मिनट के अंदर अंदर क्या हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 9:15 पर मार्केट ओपन हुआ, तो 9:15 पर क्या होगा, ये जो कैंडल है वो नीचे ओपन हुआ, इसके बाद लो यहां तक गया, फिर हाई यहां तक गया, और लास्ट में क्लोजिंग 9:20 पर कहां पर दिया, यहां पर दिया। तो 9:15 से 9:20 तक के बीच में जो भी मूवमेंट हुआ, तो उसका एक जो सिंगल कैंडल बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। अब कई लोगों का सवाल ये रहेगा कि हम लोगों को 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना चाहिए, 10 मिनट का देखना चाहिए, या 1 दिन का वीकली चार्ट देखना चाहिए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं, यानी कि डेली ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको
एक मिनट से लेकर के जनरली 15 मिनट तक का टाइम फ्रेम आपको देखना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, आपको बहुत लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप मंथली वीकली इस तरह का चार्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, तो अगर आप यहाँ पर वन डे, वन वीक, वन मंथ, तो इन सब में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बेसिकली, तो आप यहाँ पर लंबे समय तक वाला चार्ट देखेंगे, ठीक है, टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। अगर आपको डे ट्रेडिंग करना है, सेम डे बाय सेल करना है या एक दो दिन के लिए होल्ड करके रखना है, तो आप जनरली क्या करेंगे, अगर डे ट्रेडिंग करना है तो 1 से 15 मिनट तक का आप या 30 मिनट तक का आप चार्ट देखिए। अगर आपको 2-3 दिन तक के लिए रखना है तो आप 1 घंटे से 4 घंटे तक अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो, और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखना है तो आप यहां पर से डे में देखेंगे कि वन डे, वन वीक, वन मंथ, इस तरह का आपको चार्ट देखना चाहिए। और बाकी आपका अलग मर्जी है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि सभी का स्ट्रेटजी अलग अलग होता है। तो मैं कुछ इस तरह का स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता दिया। और अगर आपको ये कैंडल नहीं समझ में आ रहा है ना कि कैसे ओपन होता है, कहाँ पर क्लोज होता है, तो किस तरह का रेड कैंडल बनता है कि ग्रीन कैंडल कैसे बनता है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने डिटेल में कैंडल के बारे में ही बात किया है कि कहाँ से ओपन होता है, कहाँ पर क्लोज होता है, किसको बॉडी पार्ट बोलते हैं, तो ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।